राम राम भाई सारे भाइयों ने, या बाण है भाई, पहले भी मिली है भाई बर्तिया में और आज मिली भी, वे कौन सा काम है? जिंद है, चलो बहुत बढ़िया, जिंद वाले तगड़े छा रहे हैं आजकल। चलो कौन सी शिफ्ट थी? थर्ड शिफ्ट थी। अच्छा होया है मेरा पीएमटी, जस्ट दे के आई हूँ। कै बजे एंट्री करी, कै बजे मतलब आई? मेरी डेढ़ बजे, साढ़े बारह एक के अराउंड एंट्री हुई। अच्छा, 4:30 हो रही जब वीडियो बनाने लग गया हूँ, 4:30 बजे बाहर आई है। इतना टाइम भी 3-4 घंटे बस, बीच में उनका मतलब घना ढीला काम था, बीच में उनका लंच टाइम है ना, 1.5-2 घंटे से ही तो खत्म होया। फिर वे उनका मतलब प्रोसेस है घना ढीला है इनका, अंदर का तो घना ढीला काम कर रहे हैं। हाइट पे भी एक्यूरेट नाप रहे हैं? एक्यूरेट नाप रहे हैं। चलो, और स्टाफ वगैरह बढ़िया है? मतलब स्टाफ कभी भी मतलब कोऑपरेटिव ना है इतना ज्यादा, अंदर वाले तो है जो एंट्री करवावे है वे, और जो मतलब लाइन वाइन लगवावे वे कभी कोऑपरेटिव ना। गर्मी में दुखी होली होंगे, कई दिन हो गए ना लगातार, तो हम तो तड़के दिन में अंधेरा में तो करते लिकडेरी अंधेरे में जाके पढ़ेंगे। अच्छा, रुके कितने पे? आड़े। अच्छा, रात में तुम रुके नहीं, सुबह आए थे? बकत है हम तो, हाँ में तो ट्रैफिक मिला घना, ट्रैफिक घना हो रहा था, डेरा बस उड़े थे जीरकपुर, तड़के 2 घंटे लगे ट्रैफिक में। फिर आके ने एंट्री उंट्री करवाई, तो जब हम आए ना 12 बजे थी, तो इनकी पहली दूसरी शिफ्ट ना खत्म हो रही। हाँ हाँ, लेट चल रहा आज मामला, पहला दिन था ना सारा थोड़ी आया, क्योंकि फिर बारिश भी रात की आने लग रही है, उस तभी ज्यादा हो रहा, चटपटाट में हो रहा है काम खराब। चलो बेबी, चल थोड़ी बात ने सीटी के ऊपर के कहना चाहोगे कि सके क्वालिफाई होना चाहिए? क्वालिफाई तो करते हो। और बेबी HSC का की सके लग है काम तने की? HSC का तो भी वीडियो लाइक काम चल रहा है, लगता को नहीं 56-57 या जे कुछ भी करेंगे, पुलिस तो ले देगा क्यों करे करे दियो या और बाकी यहां के दो ये पुलिस में भी अभी CBC वाले कितना गड़बड़ हो रहा है, EWS की छूट नहीं मिलती, आइटम ना अड़ंगा फैल रहा ना, केस तो इन पर भी चल रही, EWS का भी था, इवन द रिलैक्सेशन देनी थी। हाँ, पहले डिपर्तिया में तो EWS से रिलैक्सेशन दे रखी है, अर्जु, इसकी बार को नहीं दे। और देखो एक सिंपल सी बात बेबे, 2-3 दिन लिखित में कर दी तो फिर उन्हें दे, कह तो उन्हें देनी चाहिए। हाँ, जब हो गया लिखित में बातचीत, उनका रिलैक्सेशन है तो है तो है, फिर मना क्यों करे है? लगता को नहीं, मतलब चेयरमैन चेंज हुआ था, उम्मीद तो नहीं हुई थी भर्ती करेंगे पूरी, पर इनका मतलब उम्मीद है को ना थोड़ी सी, ये करेंगे 1-1.5 महीना में के कर लेंगे, जब इन पर 5 साल में ना हो रहा के नारा तीर चला लेंगे। और के 3-2.5 साल हो रही हो, CET भी होए, कितने अंडे हैं बस कुछ है ना। चलो भाई, बड़ी अच्छी जानकारी दी, और भाई बहुत मेहनती छोड़ी है, कितने नंबर बन रहे बेबे CET में? चलो ठीक है। जो भी बच्चा भाई तैयारी करना चाहता है, गुरुकुल है भाई मेंटर 365, जो कि भाई साथ में लाइब्रेरी भी, खाना पीना है, जिन बच्चा का नु है भाई घर शेड्यूल नहीं बन पाता उनके लिए बहुत बढ़िया सुविधा भाई, मैं 3 दिन लटकाया था, 5-5 बढ़िया उनका खाना है, 10-12 घंटे पढ़ना है, बढ़िया लाइब्रेरी भाई, कूलर वाले रूम है, एक नंबर का, जो कि भाई मेंटर 365 के संचालक है सौरभ यादव सर, भाई बहुत सारे टेस्ट क्लियर कर रखे, लगभग सारे CPO CGL और भाई जो भी वगैरह पढ़ाई वाले, ठीक है, उनने सारे क्लियर कर रखे। एक भाई मिला सब्सक्राइबर भाई गुड़ा चीका, चीख पवा देंगे भाई, पंजाब दौड़ेगे जबरदस्त, कैथल आर्मी सिटी भाई, तो अपना भी था ये PMT भाई? PMT भाई 20 तारीख का था अपना, होली है, बढ़िया नहीं बढ़िया, कोई दिक्कत अच्छा नहीं आएगी, बाकी अंदर की जो कार्रवाई है थोड़ी स्लो चल रही है आज, पता नहीं क्या दिक्कत है, मशीन इसके अंदर कुछ ना कुछ दिक्कत आ सकती है, कुछ भी हो सकता है, जो 4 शिफ्ट वाले बच्चे गए तो अभी तक नहीं आए हैं, टाइम देख लो आप 4:30 हो गए, यानी कि काफी टाइम लग गया लास्ट शिफ्ट वालों को, पता नहीं क्या इशू है इसके अंदर, हमको नहीं पता। और भाई इतने इशू छिड़ रहे, EWS की आईटी नहीं मिल रही, BCA BU सर्टिफिकेट, इन पे क्या कहना चाहोगा? ये देखो भाई, पता है क्या है, इसके अंदर जो सरकार की पॉलिसी है, पॉलिसी कुछ और कहती है, पॉलिसी के अंदर उन्होंने क्या लिख रखा था कि जो इनका मैटर था, मेन मैटर के अंदर क्या लिख रखा, ये इतनी स्टेट से होना चाहिए, करंट के इशू होने चाहिए सर्टिफिकेट जो OBC के लिए, अगर वो OBC वाले करंट की करते, करंट के सर्टिफिकेट लगाते, तो इनका ये होता कि जो भर्ती के इनके रूल्स हैं वो नेगलेक्ट कर जाते, खत्म कर जाते, फिर बच्चे केस करते दोबारा से, यानी भर्ती उग जाती उससे भी। ये भी बहुत केस हो रहे हैं यार। हाँ, ये भी बहुत केस हो रहे हैं, ये देखो सरकार के हाथ में है, सरकार क्या करती है, क्योंकि आगे इलेक्शन भी आ रहे हैं, इलेक्शन में देखो सरकार ये सारी है कि 6-6 दिन भर्ती हो, जल्दी जल्दी भर्ती करें, ये नहीं है देखो पीछे 20 ग्रुप वाले बच्चे थे, जो 20 ग्रुप वाले बच्चों के साथ क्या हुआ कि जो पीछे लगाए थे सभी उन पे केस कर दिया, केस करने के बाद जो कोर्ट ने फैसला दिया है अगले सितंबर के अंदर, जो सरकार से मांगा उन्होंने कि आप हमको आउटपुट दो जो भी हमारा आता है, ये सरकार के हाथ में अब भर्ती पूरी करनी जो 20 ग्रुप वाली है,
चलो फिर तो सीखे काम तो खुश है कि भाई तू? नहीं कोई खुश नहीं है, अभी पता क्या चल रहा है इनका प्रोसेस हम कहते फास्ट फास्ट क्यों है फास्ट ओनली इलेक्शन करके है। सही बात है, ये कह रहे हैं सब बच्चे। हाँ जी टोटली यही है कि इलेक्शन के ऊपर कर रहे हैं। हम ये नहीं कह सकते कि भर्ती पूरी होएगी या ना पूरी होएगी, क्योंकि इसके ऑलरेडी इसके ऊपर काफी केसेस हो चुके हैं। और 56-57 भी है अपना भाई। हाँ जी हाँ जी 56-57 भी है, उसमें भी तगड़ा काम चल रहा है। आठ में दोनों के लिए लिकट की बढ़ गए हैं। भाई बढ़िया चल रहा है। चलो दो महीने में देखो क्या होगा क्या नहीं है, देखो आस है करे अगर सरकार। चलो तो बढ़िया बात है। क्या नाम है भाई? अपना जितेंद्र है जी। जितेंद्र भाई बड़ी बढ़िया बातचीत करी भाई, कई देर तक मेरी गेल खड़ा था, काफी नॉलेज लगी भाई दम का, दो मिनट भाई दे बात कर लो। ओके भाई। तो भाई हो गया है सांझ के 6 बज गए, 6:30 हो गए, गेरा बाबू मैं चल पड़िया घर को। और भाई बड़े बच्चे यार फोन कमेंट मैसेज वगैरह आ रहे हैं भाई के कल भाई सीएम आवास पे वो है बी सी ए और बी का जो कैटेगरी गलत हो रही है ईडब्ल्यूएस का मामला है भाई, उसके लिए पोस्टर भी शेयर करे कम्युनिटी पे। और भाई ये वीडियो में भी बोल दिया है कल भाई पूरी कोशिश रहेगी अपनी, ठीक है भाई पूरी कोशिश रहेगी। और कल भाई मिलते हैं अगर भाई फ्री रहे, बाकी मैंने काम है पर मैं कोशिश करूँगा उन्हें टालने की और भाई थार दौरान की। ठीक है भाई, बड़ा धन्यवाद सभी भाइयों का।